साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में जो ड्राई रन इस समय वैक्सीनेशन का चल रहा है वह क्या होता है और वैक्सीनेशन कब से भारत में लगने की संभावनाएं हैं, इसको जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ड्राई रन होता क्या है। वैक्सीनेशन का ड्राई रन आप उसी तरीके से समझें कि पूर्व निरीक्षण की वैक्सीनेशन लगने के दौरान क्या समस्याएँ हो सकती हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये किस तरीके से लगेगा, उस क्राउड को हम कैसे मैनेज करेंगे, वैक्सीनेशन कैसे ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह होगी, कोल्ड स्टोर से जब वह निकल के आएगी तो किस तरीके से दूसरे सेंटर में पहुंचेगी और वहां रखने की किस तरीके की से उनकी व्यवस्थाएं होंगी। यानी कि एक वैक्सीनेशन का डमी जो ओरिजिनल ना निकल के एक डमी वहां से निकाला जाता है और पूरी सारी वही प्रोसेस की जाती है जो वैक्सीनेशन लगने के दौरान की जाएगी। तो साथियों ड्राई रन से यहाँ पर तात्पर्य है कि पूर्व निरीक्षण उस वैक्सीनेशन या उस वैक्सीन का जो हमें लगनी है, संभवतः 16 जनवरी से पूरे भारत में 3 करोड़ लोगों को उसके लिए चुना गया है। उसमें सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर हैं, फिर फ्रंटलाइन वर्कर हैं और तत्पश्चात 50 साल से ऊपर के लोग हैं। तो सबसे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें वैक्सीनेशन देने का सरकार ने इंतज़ाम किया है कि सबसे पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी और फिर उस पूरी प्रोसेस में जो लॉकडाउन के दौरान आपके सुरक्षाकर्मी हैं या जो आपके लिए इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। तीसरे में जिनमें कोरोना वायरस के फैलने की ज़्यादा संभावना है या जो ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं उन लोगों को यह लगाई जाएगी। तो साथियों ड्राई रन में इस समय जो है पूरे भारत में ड्राई रन चल रहा है और लगभग ड्राई रन की जो प्रोसेस है वह समाप्त हो चुकी है। अब जितने फीडबैक थे, जो कमियां थी, उन्हें सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया है और सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वह वैक्सीन लगने के लिए तैयार रहें या वैक्सीन को अपने वहाँ स्टोरेज सेंटर या जिस तरीके की भी जो समस्याएं उस दौरान आई थी उनको दूर करने के लिए कहा गया है। तो साथियों ड्राई रन में जितनी भी कमियां थी उनको कंप्लीट करने के बाद अभी जो वैक्सीन भारत में लगने के लिए तैयार हैं वह 2 वैक्सीन ड्रग कंट्रोल जो भारत सरकार का इन चीज़ों पर नियंत्रण रखता है उसने 2 वैक्सीन्स को अप्रूव किया है जिसमें आपकी कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ब्रिटानिया फार्मास्यूटिकल के सहयोग से बन रही है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से बन रही है जो पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है और सरकार ने पूरे परीक्षण करने के पश्चात ही इसे अप्रूव किया है और दोनों वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित बताई जा रही हैं। इस ड्राई रन में यह देखा गया कि हम किस तरीके से क्राउड को मैनेज करेंगे क्योंकि ड्राई रन करने से सरकार को यह पहले से ही पुख्ता इंतज़ाम करने का मौका मिल गया कि इतने लोग अगर उस सेंटर में पहुंचेंगे तो किस तरीके से वहां पर क्राउड को मैनेज करना है, कहां पर बैठाना है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है, स्वास्थ्यकर्मी उसमें किस तरीके से ट्रेनिंग लेके पूरी तरीके से लगाएगा। तो सारी प्रोसेस करने के बाद जो है अब 16 तारीख से संभवतः है वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो साथियों इसमें आप ड्राई रन को समझ पाए हैं, वैक्सीन के जो बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह सुरक्षित नहीं है या इसको लगाने से ऐसा हो रहा है। तो साथियों व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आप पढ़ते हैं वह कहीं से प्रूफ उनको प्रूफ करके नहीं भेजा गया होता है या उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है कि वह सही जानकारी दे रहे हैं या गलत। तो आपको सरकार के दिशा निर्देशों पर चलना है, सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ ही जो है वैक्सीन को लेके आती है क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। और इस वीडियो में इतना ही।
ड्राई रन को आप समझ गए कि ड्राई रन क्यों चल रहा था और वैक्सीनेशन कब से संभवतः भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। तो लगने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि इस वैक्सीन की दो डोज लेनी है। पहली डोज आपको फर्स्ट टाइम में जो लगाई जाएगी वो, और उसके ठीक 28 दिन बाद दूसरी डोज लेनी है। और तब तक आपको उसी तरीके से हर चीज़ का पालन करना है जैसे अभी तक आप करते आए हैं। मास्क लगाना है, हाथ बराबर धोने हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो साथियों, अब इस वर्ष उम्मीद की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन के लगने के बाद यह वायरस पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड से समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन जिएं, अच्छा खाएं। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, जिससे कि मैं अन्य टॉपिकों पर आपके लिए वीडियो और बना सकूं, ला सकूं। तो साथियों, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।